बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग का कारनामा देखकर आज पूरा देश दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश है। विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर नदी की जगह पुल का निर्माण बीच खेत में करा दिया है। ग्रामीणों की माने तो करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल की कोई जरूरत नहीं थी। पुल का निर्माण नदी पर होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खेत में बीचों बीच पुल बना दिया गया है, जो अब केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। खेत वाले मालिक को ना इसकी जानकारी दी गई और ना ही मुआवजा मिला है। पूरा मामला अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परमानंदपुर वार्ड संख्या 5 का है, जहां पर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पुल का निर्माण खेत में करा दिया गया है। पूरे मामले में डीएम ने कहा कि कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर जांच का आदेश दिया गया है कि पुल का निर्माण निर्धारित जगह पर हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कल समाचार के माध्यम से ही हम लोगों के संज्ञान में आया, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था, और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने एसडीओ सीओ और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें दो तीन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नंबर वन, कि अलाइनमेंट के अनुरूप ही वो काम किया गया कि नहीं, और काम कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में जो उचित चीज़ें देख लेने चाहिए थी, ज़मीन की उपलब्धता, ज़मीन का प्रकार इत्यादि, उसकी सावधानी बरती गई कि नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके। मैडम, प्रथम दृष्टिया आपको क्या लगता? प्रथम दृष्टिया वो जांच के बाद ही हम उस पर डिटेल उत्तर दे पाएंगे। रीज़न उसका ये है कि कई बार पूरा, जैसे मुझे प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि लगभग 3.5 किलोमीटर का वो रोड है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणधीन है, उसी पूरे अलाइनमेंट पर ही 2.5 किलोमीटर के दूरी पर जैसा बताया गया कि एक पुलिया है जो वर्षा के दिनों में उसमें उपयोगी वो है, लेकिन सिर्फ अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो और राशि का दुरुपयोग हो, ऐसा नहीं हो। इसके लिए जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, रैयती भूमि है, सरकारी भूमि है, उसका सीमांकन करने के लिए हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को भी दिशा निर्देश दिया है और वो क्षेत्र में गए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग रिपोर्ट की बात करेंगे। निश्चित रूप पर उस पर संज्ञान लिया, उसके लिए धन्यवाद दिया। थैंक यू।